हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे देश भारत की लगभग 60% से ऊपर जो जनसंख्या है वे कृषि के कार्य में लगी हुई है। तो दोस्तों, बहुत से लोग अनाज की खेती करते हैं, जैसे धान, गेहूं, गन्ना, दालें, और दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा भूमि पर खेती नहीं कर सकते हैं तो वे बागवानी का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का विषय है वे एक सब्जी है, कटहल। जैसा कि आप देख रहे होगे, ये हरा भरा पौधा, ये एक कटहल का पेड़ है, तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में एक समस्या बहुत बड़ी जन्म ले रही है, वे ये है कि जो कटहल के पेड़ हैं, आप इनको कम से कम 9-10 साल 20 साल पालते हो और उसके बाद ये सूख जाते हैं। तो जैसे कि आपको एक हरा भरा पौधा दिखाई दे रहा है, इसको फलाने योग्य बनने में कम से कम 8-10 साल लगते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों आपका पौधा सूख जाए तो आप ये समझिए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी। आपको कुछ पौधे दिखाता हूँ जो पहले कभी हरे थे लेकिन अब सूख गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे सामने, ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और अभी तक जो इसके सूखे हुए पत्ते हैं वे गिरे भी नहीं हैं। तो दोस्तों, इसको हमने कम से कम 5-6 साल तक इसको पाला और लास्ट में इसके जब फल देने का टाइम आया, ये उससे पहले ही सूख गया। इसके अलावा दोस्तों, एक पेड़ ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ये दूसरा पेड़ भी हमारा लगभग ये साथ साथ ही सूख गए और हमको पता भी नहीं चला ये कब सूख गए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कटहल का पेड़ आपके सामने कैसे सूख जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद इसको सूखने से कैसे बचाएं, मैं आपको वे बताऊंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले कटहल की जड़ से रोग शुरू होता है और वे रोग शुरू होने के बाद जो है पेड़ का सूखना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का पता ही नहीं चलता कि आपका पेड़ सूख रहा है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आप किसी पेड़ की, जो मोटे पेड़ होते हैं, इनकी किसी टहनी को अगर आप काट देंगे तो आप देखना कि उसके कुछ समय तक उसकी पत्तियां हरी रहती हैं, जब तक कि उसका मूल डंठल जो है सूख न जाए। ठीक ऐसा ही इन पेड़ों के साथ भी होता है, नीचे से जड़ खराब होती है लेकिन ऊपर पत्ते हरे होते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। और जब तक दोस्तों ऊपर के पत्ते सूखते हैं तब तक इसकी जड़ ख़त्म हो चुकी होती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पेड़ कितने समय से बीमार था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको देर से पता क्यों चलता है कि आपका पेड़ सूख गया है। अब दोस्तों, इस समस्या को अगर हमने निपटना है तो उसके लिए हमको पहले ही उपाय करने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है इसको बचाने का उपाय कि कटहल जो हैं गर्म स्थानों पर होते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में ऐसा है, गर्मी होती है तो आसानी से यहाँ पर हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये पौधे बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं। अगर किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है कटहल के पेड़ के पास, तो वहाँ पर फंगल लगने से उसकी जड़ ख़त्म हो जाएगी। तो पहली बात का ये ध्यान रखना कि कटहल के पेड़ों के पास पानी एकत्र न हो, जो भी हम पानी उसको दें वे सूख जाए। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि साल में एक बार जिस समय बरसात शुरू होती है, आप वो वाला समय पकड़ लेना अपने कटहल के प्लांट के इलाज के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लगभग 3 फीट का एक गड्ढा खोदना है गहरा। तो 3 फीट जब आप खोदोगे तो इस तरीके से आपको मोटी जड़ें दिखाई देंगी। ये ऐसी जड़ें कुछ ना कुछ दिखाई देनी चाहिए जो हमको खुदाई के दौरान दिखाई दें। अब 3 फीट जब गड्ढा चारों तरफ से खुद जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये धान की भूसी लेनी है। शायद अधिकांश लोग जानते होंगे, बहुत महंगी नहीं आती है, 4 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगी, 4-5 रुपये किलो। तो ये धान की भूसी आपको, जो आपने 3 फीट का गड्ढा खोदा था उसमें मिट्टी के साथ मिला करके इसको भर देना है। तो मिट्टी के साथ अगर जब आप धान की भूसी को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिला के भर देंगे तो जितनी भी इसके नीचे फंगल होगी या होने वाली होगी वह फंगल साफ हो जाएगी और कभी भी फंगल नहीं आएगी और ऑक्सीडेशन तो बना ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इसको पूरा मिट्टी के साथ धान की भूसी को मिला के भर दोगे तो उसके बाद आपको जो है एक
दीमक मारने वाली दवा लेनी है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी मेरे हाथ में, जिसका नाम है गोल्ड बॉन्ड 20। तो गोल्ड बॉन्ड 20 को आप लेंगे तो कम से कम इसको आप 10-15 लीटर पानी में इसका घोल बना लीजिएगा और उस घोल को पौधे के ऊपर से डाल दीजिएगा, यानी कि उस गड्ढे में, जिससे कि ये दवा जड़ों में मिक्स हो जाए। तो उससे क्या होगा, फफूंद तो धान की भूसी एंड कर ही देगी और जो पौधे में कीड़ा और दीमक लगता है उसको गोल्ड बॉन्ड 20 जो है मार देगा। तो दोस्तों ये प्रयास आपको पौधे के सूखने से पहले करना है, बरसातों में दीमक और फंगल दोनों पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, जब पौधा सूखेगा तब हम उसको ठीक करेंगे। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे कि आपका बड़ा पेड़ इतना बड़ा सूखे और इन दवाओं से वे बच जाए, तो इनको बचाने के लिए आपको ये प्रयास पहले करना होगा। और ये प्रयास अगर आप कर लेते हो तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, सालों साल आप कटहल की सब्जी खाओगे भी और बेचोगे भी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमने कुछ जानकार लोगों से एकत्रित की हुई है, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता तो मेरे दो पेड़ नहीं सूखते जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मोराल बढ़ता है। और अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके वे नॉलेज भेजिएगा, मैं दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा, जिससे दूसरे काश्तकार भाई भी उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।